किस लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के बताइए, समाज जो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, हमको बच्चे छोटे नहीं है, छोटे नहीं है, वो बच्चे नहीं है। 18 साल की उम्र के ये बच्चे 18 साल की उम्र की उम्र के 18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है क्योंकि कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, किस शादी नहीं करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन नहीं चाहिए, आपका काम होना चाहिए जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप पुस्तक रहे तो बहुत अच्छा, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब ऐसा मनोविज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर साइंस है, ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। देखिए ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए आस्तीन के सांप कौन होते हैं, सही बात है, सही बात है। बाबा जी राधे राधे, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं नई जनरेशन के लिए कि ये मैरिज करनी चाहिए, पसंद करना चाहिए, आप बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलो बच्चों के लिए, ये फूल है, जैसा आप झुकाओगे वैसा झुकेंगे, मगर क्यों नहीं जो जाननी के छठे टुकड़े हुए थे वो प्यार के ताड़े हुए थे। बाबा जी जो सत्संग में कहते हो सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये बच्चे ऐसे ना बिगड़े। हमेशा जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज का रेट सक्सेसफुल रहे, माँ बाप चूज करके लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेके आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कई बार होता है माँ बाप की चॉइस भी गलत निकलती है, तो अगर उसके बजाय और सही है क्या
से 100 साल पहले आपने सुना कि कभी भारत में तलाक हुआ? 100 साल पहले क्या कोई भी एक तलाक की घटना थी भारत में? 100 साल पहले क्या तलाक हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो भाषा हमारी केवल जोड़ना सिखाती है, रिश्तों को तोड़ना सिखाती ही नहीं। वो महाराज जी तनाव इसलिए नहीं होते थे, वो आदमी शादी पे शादी करता रहता था।